तेरी होशियारी मुझ पर महंगी पड़ी, टूट गया फोन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। दोस्तों अभी टाइम हुआ सुबह के 8 बजे हैं, मैं सुबह 7 बजे ही उठ गया था, ठीक है। तब से सोच रहा हूँ व्लॉग के बारे में, व्लॉग क्या बनाओ, व्लॉग का टॉपिक वगैरह, क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी स्टॉक में एक भी व्लॉग नहीं है और व्लॉग के टॉपिक भी नहीं है। तो फाइनली मैंने फोन पकड़ा और स्टार्ट कर दिया। कुछ भी हो व्लॉग इंटरेस्टिंग काफी होगा, ठीक है। अभी क्या क्या हो रहा है सुबह मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, मम्मी रोटी कर रही है, दीदी बर्तन धो रही है, और ये क्या कर रहा है? अच्छा, सूर्य नमस्कार कर रहा है। सूर्य यहाँ से दिख रहा है तुझे? किसे नमस्कार कर रहा है? चलो ऊपर चलते हैं छत पर। तो अब सुबह सुबह छत पर जा रहे हैं, ठीक है। कुछ सूर्य नमस्कार करेंगे, कसरत वगैरह करेंगे, चल। और सुबह का व्यू भी मैं आपको दिखा दूंगा, क्या क्या मतलब कैसा व्यू है सुबह का। और ये छत देखिए, हम ऊपर जा रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर काफी धूप है, तो मैं आपको दिख रहा था वो भी। ये हमें देख रहा है, देखो हम छत पे आए, ऊपर हमें देख रहा है क्या है? तो अभी हम कसरत वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। धूप हो रही है तो आंखें तो खुल नहीं रही है, तो अभी मैं कुछ करता हूँ कसरत वगैरह। और विक्रम पहले कर दो, क्या करना है? सूर्य नमस्कार, अब कर सूर्य नमस्कार। चलो मेरी बारी, मैं करता हूँ सूर्य नमस्कार, और मुझे सिखाना, ठीक है, मैं भूल जाता हूँ। पहले मैं, चलो क्या करना है? पहले बस 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 अभी थोड़ा फिट होना पड़ेगा अभी मुझे। और अब दूसरा पैर, बस ये अब हो गया। अब मैं आपको एक और कसरत करके दिखाता हूँ, ठीक है, जो मैं पहले छोटा था तब करता था। अभी हो गया नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। लगी, अब चलते हैं नीचे, ठीक है। अजीब और शान सहसा गीत गाना, कौन सा गीत है? तो अब मैं स्नान कर लेता हूँ, स्नान कर लिया अभी, और टाइम हुआ है 8:30 बजे हैं, और अभी खाना खा लेते हैं, ठीक है, इतना जल्दी आज खाते हैं। तो अभी थोड़ा कांच में देख लेते हैं हम भी, और गिर जाता अभी। तो देखिए, जूम करते हैं, जूम। मेरे यार अभी तक मैंने ये नहीं सीखा कि ये जो फोन ये मेरे मुंह के आगे क्यों आता है। हाँ, मेरे मतलब मुंह के आगे आ जाता है। तो अभी आज शेविंग करनी थी, लेकिन शेविंग तो की नहीं, ठीक है, क्योंकि ट्रिमर चार्ज नहीं था। और कल देखते हैं, कल शेविंग वगैरह कर लेते। शेविंग कैसी लगती है आप बताना? दादी वगैरह कहती है ज़्यादा बड़ी मतलब एज में लगता है, काफ़ी बड़ा दिखता है, या ऐसे 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 बड़ा हो नहीं, ठीक है ना, मेरी अब जस्ट 22 साल भी हो नहीं है कम्प्लीट। रोटी सब्जी, अब मैं मंदिर जा रहा हूँ, ठीक है। मम्मी और दीदी और दादी तीनों को मंदिर जाना है, तो पहले मम्मी और दीदी को बात जाकर छोड़ के आता हूँ, फिर दादी को वापस लेने आऊँगा। दोस्तों मम्मी और दीदी को तो छोड़ दिया मंदिर में, अब मैं दादी को लेने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये रोड पूरा कच्चा रोड है, देखिए पूरा कच्चा रोड है और पूरा खराब है, इसलिए मैंने शूटिंग नहीं ली। अब अकेला तो ले रहा हूँ, तो अभी थोड़ी ही लूंगा, ठीक है, वरना फोन वोन गिर गया तो मेरे नुकसान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं घर पे आ गया और दादी तो कोई बाइक वाला जा रहा था, जानने वाला था, तो उनके साथ बैठकर चली गई, ठीक है। मैं आ रहा था तो मेरे सामने आई कि मैं जा रही हूँ, तो ठीक है, मैं कि आप जाओ, फिर मैं दादी दीदी और मम्मी को साथ में मंदिर में लेने चला जाऊँगा 1-2 घंटे बाद, तब तक मैं घर पर हूँ। दोस्तों मैं अभी घर पर था, और अभी जस्ट अंकल के लड़के का कॉल आया, मैंने उसको कल बात की थी कि अब मेरे व्लॉग के टॉपिक नहीं है, क्या व्लॉग बनाओ वगैरह, तो उसने एक मस्त टॉपिक सजेस्ट किया, ठीक है। उसने कहा कि अभी तूने न्यू आईफोन लिया है, तो अपने मम्मी के साथ प्रैंक करना, उनको कहना कि आईफोन टूट गया, फिर मम्मी के क्या रिएक्शन होते हैं। तो हम मम्मी के साथ प्रैंक करेंगे, ठीक है, लेकिन इस व्लॉग में नहीं, अगले किसी व्लॉग में, या तो इससे जस्ट बाद वाला या एक व्लॉग छोड़कर, ठीक है। मम्मी के साथ प्रैंक करेंगे, आईफोन न्यू लिया है, इसके क्या स्क्रीन पर वो ब्रोकन स्क्रीन वाला वॉलपेपर लगा लेंगे, फिर मम्मी को कहेंगे कि मम्मी देखो फोन टूट गया, तो मम्मी के रिएक्शन तो खतरनाक होंगे, क्योंकि ये 70-80 हज़ार का फोन है तो टूटेगा,
तो ऑब्वियसली रिएक्शन तो होंगे ही, तो देखते हैं मम्मी के क्या रिएक्शन होता है, ठीक है, वो अगले व्लॉग में देखेंगे। आईफोन टूटने वाला जो प्रैंक है मम्मी के साथ वो तो इस व्लॉग में भी कर देता, लेकिन क्या है अभी ये जो व्लॉग है आईफोन से शूट हो रहा है, तो फिर आईफोन टूटने का दिखाएंगे कैसे, ठीक है। तो अगला व्लॉग जब मैं अपने जो दूसरा फोन है उससे शूट करूंगा, तो उसमें फिर आईफोन दिखा दूंगा कि आईफोन टूटा हुआ है, तो मम्मी क्या कहेगी। अब काफी टाइम हो गया, अब मम्मी और दादी दीदी को लेने जाता हूँ, दो बार जाना पड़ेगा, ठीक है, एक बार से दो तीन आएंगे नहीं। चप्पल पहन लेते हैं, चप्पल पहन कर जाएंगे, और ये अपनी बाइक इससे जाएंगे। देखिए दोस्तों वापस ये खराब रोड आ गया, ये रोड नदी में है, ठीक है, तो क्या है रोड थोड़ा बहुत बनाते हैं फिर नदी आती है तो वापस टूट जाता है, तो अभी क्या है कि अभी चल रहे हैं, काफी खराब रोड है, देखिए आप। अरे अरे गया, फोन गया। दोस्तों अब मेरी होशियारी मुझ पर महंगी पड़ी, टूट गया फोन, ठीक है, मैंने आपको जस्ट पहले कहा था कि हम प्रैंक करेंगे, फोन टूट गया वगैरह, तो रियल में टूट गया। अब सांस भी नहीं आ रही है, ये देखो रोड खराब है। अब जिससे मैं टूटे हुए फोन से व्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ही फोन साथ में लेके आया, नाइट पैंट पहना हुआ था, दूसरा फोन घर पर ही है, तो इस रोड पर टूट गया, ले रहा था शूटिंग, तो अब क्या कहे, मतलब कुछ सोच भी नहीं रहा है। तो चलो प्रैंक क्या, आप तो रियली करेंगे, मम्मी को दिखाएंगे वो मम्मी के क्या रिएक्शन होते हैं। और भाई साहब चलो मैं आपको दूसरे फोन से इसकी हालत भी दिखा दूंगा, फिलहाल तो लेने जा रहा हूँ मम्मी को, रास्ते में देखिए पूरा ख़राब रोड है, और क्या करे, चलो आगे देखते हैं सब पूरा आपको दिखाऊंगा क्या हुआ। देखो आगे मम्मी दीदी और दादी, फोन का तो घर पे जाकर ही बोलेंगे, ठीक है, वरना मम्मी यही फिर चालू हो जाएगी। आ गए घर और सबको एक साथ लेके आया, ठीक है, इसको आज गाड़ी बना दी। अब बताना पड़ेगा फोन के बारे में, क्या था तो प्रैंक सक्सेसफुल रहा, और आपके साथ भी प्रैंक हुआ है, ठीक है, कोई फूटा वूटा नहीं है। मम्मी के साथ प्रैंक कर रहा था, सोचा आपके साथ भी कर लूं, तो फोन एकदम सही सलामत है और प्रैंक सक्सेसफुल रहा। तो दोस्तों फाइनली प्रैंक सक्सेसफुल रहा, ठीक है, पहले मैंने सोचा था कि केवल मम्मी के साथ प्रैंक करेंगे, फिर सोचा आपको ये छोड़ा जाए, आपके साथ भी प्रैंक किया जाए, तो प्रैंक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और मम्मी को मैंने फोन दिखाया तो पहले तो मम्मी को यकीन नहीं हुआ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, फिर मैंने जो ब्रोकन स्क्रीन वाला वॉलपेपर लगा के वो दिखाया तो मम्मी को यकीन हुआ कि तोड़ दिया मम्मी ने, क्या ऐसे क्या कर रहा था, अब क्या करेगा ना, अब 4-5 हज़ार रुपये और लगेंगे। मम्मी को मतलब अभी पता नहीं कि आईफोन की स्क्रीन कितने पैसों में ठीक होती है, मम्मी बोल रही है 4-5 हज़ार रुपये लगेंगे, अगर मम्मी को पता होता कि 30-40 हज़ार तक भी ठीक होगा या नहीं तो मम्मी मुझे पीट ही देती। तो वैसे कोई नहीं, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, आज के इस व्लॉग को यही पे एंड करते हैं, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, आगे मिलते हैं नए व्लॉग में।